यस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के ब्लॉग में आपका दिल से स्वागत है। और अभी तक मैं रेडी सेडी नहीं हुआ हूँ और फिलहाल आ चुका हूँ बाहर में कुछ सामान लेने के लिए। तो आज है दुर्गा पूजा का अष्टमी का दिन और कुछ पूजा का सामान लेना था, तो हम आए हैं बाहर में अभी पूजा का सामान लेने के लिए। और ख़ास करके दुर्गा माँ का एक और ड्रेस लेना था। कुछ दिन पहले मैंने दुर्गा माता के लिए एक ड्रेस लिया था, बट सपना ने बोला कि एक और ड्रेस लेके आना है। तो मैं एक बार हाय बोल दीजिए। हाय, ये मुजफ्फरपुर वाले मेहमान है। हाँ। अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। सुनने से बहुत अच्छा अच्छा सुन। यही वाला दे दो भैया, यही वाला दे दो। जब हम ले चुके हैं दुर्गा माँ के लिए एक अच्छा सा प्यारा सा ड्रेस और एक चुनरी, बहुत अच्छा है, खोल के दिखाऊंगा घर जाके, ठीक है। अभी आए हैं बेकरी में और लड्डू लेना था, तो 250 ग्राम लड्डू लिए हैं। या प्लीज टेल मी, दूसरा दे तो अच्छा। ये वाला लड्डू लिए, फिर से ये बेसन वाला लड्डू, और ये तीनों मिक्स लिए हैं 250 ग्राम, काफी है। तो गाइस, लड्डू भी लेने का जो कार्यक्रम है वो हो गया, अभी चलते हैं डायरेक्ट घर। स्कूटी हो गया पार्क। गाइस, अभी हम फिलहाल आ चुके हैं एक छोटा सा मार्केटिंग करके बगल गुंटे से, और जो भी पूजा का सामान लेना था वो सारा लेके आ गए। हेलो, कहाँ है अच्छा बट्टू लोग? तो गाइस, कचरा वाला भी हमेशा की तरह अपने टाइम पे आ गया है। 9:30 को डेली का डेली कचरा वाला आ जाता है। कचरा वाला आया, जैसे कचरा निकाल। तो गाइस, हमेशा की तरह पूजा पाठ करते हुए, और आज है दुर्गा अष्टमी और दुर्गा माता का पूजा है आज, महागौरी माता। तो महागौरी माता का पूजा फिलहाल करते हुए सुबह सुबह गया, कुछ मार्केटिंग करके आया, पूजा का सामान खरीद के लेके आया, और अभी फिलहाल पूजा करते हुए। तो आज जो है अष्टमी पूजा है, और आज का जो ब्लॉग है वो अष्टमी से रिलेटेड ब्लॉग हुआ। और मैं ये भी अपने ब्लॉग में आज दिखाऊंगा कि यहाँ के लोग, कर्नाटका के लोग, बैंगलोर के लोग अष्टमी के दिन किस तरीके से पूजा करते हैं। चलिए अभी जल्दी जल्दी पूजा को संपन्न करते हैं, और पूजा संपन्न करने के बाद फिर अपने काम की ओर लग जाते हैं। काम बोले तो ड्यूटी नहीं है आज, कोई काम धंधा नहीं है, घर का ही काम है। और देखना है कि अष्टमी पूजा किस तरीके से बैंगलोर के लोग मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और हम तो भाई पूजा करें अभी फिलहाल। महागौरी माता की जय, महागौरी माता दुर्गा माता की जय। बाबा पूजा हो गया और बाबा भी रेडी हो चुकी है। बाबू का तबीयत खराब है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है बाबू का। तबीयत खराब है बेटा, तबीयत खराब है इसका, तबीयत खराब अभी चल रहा है, दो दिन से सर्दी है। देखो अभी भी छींक आ रहा है इसको। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अरे 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 अरे, बच्चा लोग भी एकदम मस्त मस्ती कर रहा है, बढ़िया है। तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया था कि आज है अष्टमी, दुर्गा अष्टमी का दिन है, तो हम लोग अभी जा रहे हैं डायरेक्ट डी मार्ट में जाके थोड़ा सा एक छोटा सा शॉपिंग करना है दुर्गा माँ की पूजा के लिए। तो चलिए अभी हम लोग सभी आदमी जा रहे हैं, सपना और मेरी जो छोटी ननी मुन्नी जो बेबी है उसको भी लेके जा रहे हैं अभी। तो चलिए अभी डायरेक्ट चलते हैं डी मार्ट, यहाँ से लगभग आई थिंक 10 किलोमीटर है। ओए मेरे बेटा को जल्दी से रेडी करो, बेटी भी चल रही है डी मार्ट। हाँ, शॉपिंग के लिए तुम भी जाओगी? तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। अभी अभी सोई हुई थी, जैसे ही इसको पता चल गया कि सब रेडी हो रहा है, तुरंत जो है उठ गई, तुरंत उठ गई। अरे बाप रे बाप, कितना अच्छा शू है, देखे देखे जरा खोल के। हम भी कहाँ से, फ्लिपकार्ट से मंगवाएंगे। कितना अच्छा है ना बेबी का शू, देखो तो कितना अच्छा है। बाबू को पहनाओ तो, पहनाओ तो, कितना अच्छा है देखो तो। बाबू अभी पूरा आधी नींद में ही है, हाँ, जैसे ही लेके जाएंगे हम लोग बाहर में तो सो जाएगी, सो जाएगी। शूज पहना दो इसका, शूज पहन लिया, देखो कितना अच्छा शूज है, देखो 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 देखो। क्या खा रही है, क्या खा रही है, कितना शूज है, कितना चुम्मा, इसको चुम्मा लेना चाहिए, चुम्मा। चलो जल्दी।
तो गाइस अभी हम फिलहाल आके बैठ चुके हैं अपने गाड़ी में और अभी फिलहाल हम जा रहे हैं डी मार्ट नेल बंगला की ओर। चलिए गाइस अभी पेट्रोल ले चुके हैं और फिलहाल अपने डेस्टिनेशन की ओर जाते हुए गाइस अभी फिलहाल BMTC इलेक्ट्रिक बस के पीछे पीछे जाते हुए दिस इज द न्यूली BMTC इलेक्ट्रिक बस एजेंसी इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है यहाँ पे ये है अपनी बैंगलोर का BMTC इलेक्ट्रिक बस राइट। तो फिलहाल अभी गाइस BMTC बस के पीछे पीछे जाते हुए और डी मार्ट पहुंचने में लगभग 10 से 12 मिनट लगेंगे। तो डी मार्ट पहुंचते ही देखते हैं वहां पर क्या खरीदना है नहीं खरीदना है फिर घर पे चले आएंगे क्योंकि आज है दुर्गा अष्टमी और पूजा पाठ करना है भाई एकदम जोरों शोरों से। जब हम बन जाए बारिश कल के आई रात। गाइस अभी हम फिलहाल नेलमंगला टोल गेट के पास पहुंच चुके हैं और नेलमंगला टोल गेट से पहले ही लेफ्ट हैंड साइड में डी मार्ट है तो चलिए अभी यहां से डायरेक्ट लेते हैं लेफ्ट और हम लोग पहुंच गए अभी डी मार्ट। वो लोग अभी बहुत दूर होगा क्योंकि हमने हाईवे पकड़ लिया ना हाईवे पकड़ के आ गए डायरेक्ट। गाइस जब भी हम लोगों को सस्ता सुविस्ता परचेज करने की इच्छा होती है तो डी मार्ट इज द बेस्ट। पार्किंग लग रहा है फुल है पूरा एकदम अभी वीकेंड है ना इसके लिए बाहर ही लगा है इतना प्रॉब्लम नहीं होगा जगह है पार्किंग जगह कार तो अभी निकल रहा है चलो जगह होगा। अरे जगह तो है भाई चल 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 आते हैं यहाँ पे लगाया था ठीक है। बेबी फिलहाल सोई हुई है जब भी हम लोग कहीं भी जाते हैं तो ये सोई ही रहती है अच्छा है सोई रहे तो अच्छी बात है। गाइस अभी बैंगलोर का मौसम एकदम मस्त है और धूप जो है एकदम करारे की उगी हुई है अभी मौसम एकदम जबरदस्त है और जबरदस्त मौसम में हम आए हैं अभी डी मार्ट। तो चलिए अभी अंदर की ओर चलते हैं और जल्द से जल्द छोटा मोटा शॉपिंग है करते हुए फिर यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस अभी बाबू सोई हुई है और बाबू की मम्मी जो है अभी डी मार्ट में है तो मैं फ़िलहाल अभी बाबू को लेके गाड़ी में ही हूँ क्योंकि बहुत क्राउड है अंदर में और चूँकि न्यू बॉर्न बेबी है तो इसको लेके जाना सही नहीं है तो मैं गाड़ी को चला के गाड़ी का एसी ऑन करके अभी बाबू को लेके सोया हूँ। इसको सुलाते सुलाते मैं अभी सो गया। तो गाइस सभी जो है अभी फ़िलहाल आ चुके हैं शॉपिंग करके हो गया शॉपिंग आज तो बाप बेटी को गाड़ी में सोना पड़ा है आराम से मेरी बेटी और मैं दोनों आदमी गाड़ी में सो गए हाँ एकदम नहीं रोई एकदम सोई हुई थी आराम से सोई हुई थी हाँ सहना पड़ता है सही बात है सही बात है। फिलहाल मेरे लिए लिटिल हर्ट जाया है बचपन से ही मेरे को बहुत अच्छा लगता है। चलिए अभी गाड़ी में सब कोई बैठ चुके हैं चलो जाओ तुम लोग निकलो जल्दी इसमें टच होगा अभी सिर्फ पीछे ही नहीं देखना है आराम से। तो धीरज अभी सीख ही रहा है इसलिए थोड़ा डर लग रहा है बोला कि मैं बैक करूंगा अभी गाड़ी को आराम से करो एकदम स्लो 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 जाओ अच्छा ये यहीं पर छोड़ दिया यार जाओ आराम से जाओ घुमा घुमा पूरा घुमा पूरा 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 घुमा हाँ बस 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 रुक जा गाड़ी आ रहा है। भाई धीरज को बहुत शौक होता रहता है कि गाड़ी चलाने का मैंने कहा यार पहले पूरी तरह से गाड़ी चलाना सीख जा उसके बाद गाड़ी देंगे कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही मुझे वैसे मैं ड्राइविंग करते करते ऑटोमेटिक थक चुका हूँ बहुत दिनों से ड्राइविंग कर रहा हूँ ये देखो बाहर निकाल के वहां तक लेके ओए हो गया चले गाइस अभी चलते हैं घर पे। और क्या होता ना गाइस अगर सीख लेता कोई गाड़ी चलाना धीरज या साथ में जो भी रहता तो अच्छा रहता क्योंकि क्या है कि
मुझे कभी कभी ना ड्राइविंग सीट के बगल में बैठने की इच्छा होती रहती है और पीछे भी बैठने की इच्छा होती रहती है। देखो धीरे धीरे पूरा घुमा के इधर से उधर से पूरा घुमा के यहाँ तक गाड़ी लेके आ गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। अरे इसको लेके जाओ, चल खोल दरवाजा खोल। इसको लेके आए तो अभी गाड़ी में बैठ चुके हैं और फिलहाल सबको आ चुके हैं गाड़ी में। हाय बोलो उधर, ये देखो इसको, ये तो उल्टा जाएगा, उल्टा बैठ के जाएगा ऐसे ही। दुर्गा माँ का पूजा में आइए, दुर्गा माँ का पूजा है बाबू। आज अभी हम लोग यहाँ पे हनुमान मंदिर का दर्शन करने आए थे, देखे कि अचानक यहाँ पे जो है माँ दुर्गा का जो मूर्ति यहाँ पे स्थापित किया गया है। जय माँ दुर्गा। दर्शन करने और यहाँ पे आके माँ दुर्गा का दर्शन हो गया। यहाँ पे क्या है कि दुर्गा माँ का जो मूर्ति है वो स्थापित किया गया है, चूँकि आज दुर्गा अष्टमी है। तो यहाँ पे नेलमंगला रोड में जाते वक्त आप जैसे ही नेलमंगला जाओगे बैंगलोर मुंबई हाईवे पे, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक हनुमान मंदिर आता है सर्विस रोड में, तो यहीं पे दुर्गा माँ का मूर्ति स्थापित किया गया है। हम लोग आए दर्शन करने के लिए तो अचानक हम लोगों को माँ दुर्गा का भी दर्शन हो गया। तो चलिए अभी चलते हैं हनुमान जी का दर्शन करते हैं, और हनुमान जी का दर्शन करने के बाद फिर गाड़ी वहाँ पे पार्क किया है, वहाँ पार्क किया है तो फिर चलते हैं घर की ओर। साथ में ये भी पता चला है कि बागेश्वर धाम सरकार जो है वो भी यहाँ पे 4, 5 और 6 फरवरी को आने वाले हैं। फरवरी नेक्स्ट ईयर, ओके ओके। तो श्री हनुमंत कथा एवं दिव्य दरबार यहाँ पे लगने वाला है इसी हनुमान मंदिर में, तो बेंगलुरु में श्री बागेश्वर धाम परिवार बेंगलुरु। तो मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप सही में बागेश्वर धाम सरकार के भक्त हैं तो आप लोग प्लीज इस जगह पे आइए। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, पारे बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी, जय माता दी। तेरी दया का अंत नहीं, कर दे दूर मुसीबत मेरी, मैं खड़ा द्वारे पे पल पल करूं मैं विनती तेरी, माँ मैं खड़ा द्वारे पे।